गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में सितंबर के हम मंथली करंट अफेयर्स यहां पर कवर करेंगे। हम वन लाइनर्स में ऑलरेडी देख चुके हैं टॉप 100 क्वेश्चंस को, लेकिन यहां पर पूरे मंथ में हमने जो भी करंट अफेयर देखे हैं उन सभी को कवर करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है ना। सबसे पहले आता है हमारा डेज एंड थीम्स। इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड कोकोनट डे ऑब्जर्व्ड। इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है 2 सितंबर को। थीम है इस बार की कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। इस दिन को मनाने का एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डाइवर्स यूजेस एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ कोकोनट्स। एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी के द्वारा इस दिन को मनाना शुरू किया गया था 2009 में पहली बार। व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में टीचर्स डे को 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 5 सितंबर बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की। ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के, 1952 से 1962 तक रहे थे। 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये एक रिनोन्ड स्कॉलर और फिलोसोफर थे। 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था थिरुत्तन्नी प्रेजेंट डे तमिलनाडु में। पहले वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के और दूसरे प्रेसिडेंट बने थे 1962 में। 1967 तक ये भारत के प्रेसिडेंट रहे थे। ही वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल टू बी अवार्डेड द साहित्य अकेडमी फेलोशिप, द हाईएस्ट डिस्टिंक्शन इन 1968। और पहला टीचर्स डे 1962 में ऑब्जर्व किया गया था। व्हेन द असम गवर्नमेंट विल ऑब्जर्व सूतिया डे फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। अगले साल से 20 अगस्त को सूतिया डे को असम गवर्नमेंट के द्वारा सेलिब्रेट किया जाएगा। पीपल ऑफ सूतिया, जो सूतिया लोग हैं उनके द्वारा इस दिन को मनाया जाएगा। 20 अगस्त 1942 में पीपल ऑफ सूतिया लेड बाय द लेट बिमन चंद्र बोरा होस्टेड द नेशनल फ्लैग एट द सूतिया पुलिस स्टेशन। इसीलिए इस दिन का महत्व है 20 अगस्त का। भारत के फ्रीडम स्ट्रगल जो भारत का था उसमें सूतिया लोगों की काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, जिसको देखते हुए ही इस दिन को मनाने के लिए अनाउंस किया गया असम सरकार के द्वारा। व्हेन इज़ वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे ऑब्जर्व। इसे ऑब्जर्व करते हैं 8 सितंबर को। क्यों मनाते हैं इस दिन को? टू रेज अवेयरनेस अमंगस्ट द पब्लिक एंड अदर स्टेक होल्डर्स अबाउट द रोल फिजियोथेरेपिस्ट प्ले इन कीपिंग पीपल वेल, मोबाइल एंड इंडिपेंडेंट। वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन फॉर फिजिकल थेरेपी के द्वारा इस दिन को मनाया जाता है। इसी की स्थापना की गई थी 8 सितंबर के दिन 1951 में, ठीक है। तो इसी की एक तरह से फाउंडेशन डे है इसका, इसीलिए इस दिन को मनाते हैं। थीम है 2024 की लो बैक पेन एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन इट्स मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। ऑन विच डे इज़ द इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व। इसे ऑब्जर्व करते हैं 8 सितंबर को। थीम इस बार की है प्रमोटिंग मल्टी लिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। इस दिन को मनाने का एम है टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेसी इन पर्सनल डेवलपमेंट एंड क्रिएटिंग अ जस्ट इक्विटेबल सोसाइटी। यूनेस्को रेजोल्यूशन के द्वारा इस दिन को 1966 में मनाने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। पहला सेलिब्रेशन हुआ था 1967 में। व्हेन इज़ वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व। इसे ऑब्जर्व करते हैं 10 सितंबर को। थीम है इस बार की चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड विद द कॉल टू एक्शन स्टार्ट द कन्वर्सेशन। सुसाइड प्रिवेंशन के लिए इस दिन को इस बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। 2003 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, WHO के साथ कोलैबोरेशन के द्वारा इसे इस दिन को इस्टेब्लिश किया गया। व्हेन इज हिंदी दिवस ऑब्जर्व्ड। हिंदी दिवस को ऑब्जर्व करते हैं 14 सितंबर को। थीम है हिंदी द ब्रिज बिटवीन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एम क्या है? हिंदी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को प्रमोट करना, उसके डेली कम्युनिकेशन में उसके यूज़ को प्रमोट करना। 14 सितंबर 1949 में इसका ऑरिजिन देखा जा सकता है व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। What significant day has the Telangana state government decided to celebrate on 17th September? 17 सितंबर को तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा प्रजा पालन डे को मनाया जाएगा। 17 सितंबर वही दिन है जिस दिन हैदराबाद स्टेट जो है वो भारत के साथ इंटीग्रेट हुआ था 1948 में। नेशनल फ्लैग विल बी होस्टेड एट ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज इस दिन 17 सितंबर के दिन। जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज, ग्राम पंचायत हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वहाँ पर नेशनल फ्लैग को फहराया जाएगा और 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे के रूप में मनाएंगे तेलंगाना में। नेक्स्ट है, व्हेन इज नेशनल हिंदी डे ऑब्जर्व इन इंडिया। ये 14 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, हम देख ही चुके हैं पीछे, सेम क्वेश्चन है। ऑन विच डेट इज़ द वर्ल्ड ओजोन डे और इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन ऑब्जर्व। इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है 16 सितंबर को। 1995 से इस दिन को मना रहे हैं। ओजोन लेयर के डिप्लेशन से लोगों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए इसको
इस दिन को मनाते हैं। थीम इस बार की है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस। हु इनॉग्रेटेड द 8th इंडिया वाटर वीक 2024? इसे द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया। 17 सितंबर को ये शुरू हुआ था इंडिया वाटर वीक, 8th एडिशन था इसका। स्टॉकहोम वाटर वीक, उसी से प्रभावित होकर इंडिया वाटर वीक को भारत में सेलिब्रेट किया गया था, विच फोकसेस ऑन वाटर मैनेजमेंट एंड कोऑपरेशन इश्यूज। थीम रखी गई थी इसकी पार्टनरशिप्स एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। हु इनॉग्रेटेड द 2nd एडिशन ऑफ द पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन डे प्रवासी दिवस सेलिब्रेशंस इन मलेशिया? ये देखिए रहे हैं सामने कीर्ति वर्धन सिंह, इसका आंसर होगा, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स है कीर्ति वर्धन सिंह, और ये ऑफिशियल टूर में गए थे आर्मेनिया और मलेशिया में। वहाँ पर ही मलेशिया में इस सेलिब्रेशन का 2nd एडिशन इनॉग्रेट किया गया था इनके द्वारा। आर्मेनिया की कैपिटल है येरेवन, और येरेवन डायलॉग भी वहीं हुआ था भारत और मलेशिया के बीच में, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट हैदराबाद लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड? ये क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं, 17 सितंबर होगा इसका आंसर। हैदराबाद लिबरेशन डे को 17 सितंबर को पहली बार अभी मनाया गया। 17 सितंबर के दिन ही 1948 में हैदराबाद भारत का पार्ट बना था ऑपरेशन पोलो के तहत। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व इन द वर्ल्ड? इसे ऑब्जर्व करते हैं 21 सितंबर को। थीम है इस बार की कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसे ऑब्जर्व किया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड राइनो डे ऑब्जर्व? इसे ऑब्जर्व करते हैं 22 सितंबर को, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द 5 राइनो स्पीशीज। तो आज की डेट में अगर देखें तो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जो हैं, इनकी 75% पॉपुलेशन भारत में देखने को मिलती है, 3 स्टेट्स में, असम, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में। वर्ल्ड राइनो डे पहली बार अनाउंस किया गया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा 2010 में, और WWF का हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। व्हेन इज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसे हर साल 25 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम है फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस सेलिब्रेटेड इन द वर्ल्ड? इसे सेलिब्रेट करते हैं 23 सितंबर को। थीम क्या है इसकी? सपोर्ट साइन लैंग्वेज राइट्स। पहली बार 2018 में इसे सेलिब्रेट किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। व्हेन इज द वर्ल्ड मैरिटाइम डे ऑब्जर्व इन द वर्ल्ड? इसे दुनिया में 26 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम है नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। इंडिया नेशनल मैरिटाइम डे भी ऑब्जर्व करता है 5 अप्रैल को, और ये है वर्ल्ड मैरिटाइम डे जो कि होता है 26 सितंबर को। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व? इसे 27 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। थीम है टूरिज्म एंड पीस। कंट्री की इकोनॉमी में किस तरह से टूरिज्म रोल प्ले करता है, इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस के लिए इस दिन को मनाते हैं। इस साल जॉर्जिया जो है इसके द्वारा होस्ट किया गया वर्ल्ड टूरिज्म डे। नेशनल टूरिज्म डे भी भारत में मनाते हैं 25 जनवरी के दिन। व्हेन इज वर्ल्ड हार्ट डे ऑब्जर्व? इसे ऑब्जर्व करते हैं 29 सितंबर को। इसकी थीम है इस बार की यूज़ हार्ट फॉर एक्शन। इस दिन को मनाते हैं टू रेज अवेयरनेस अबाउट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड प्रमोट हार्ट हेल्थ ग्लोबली। सन 2000 में इस दिन को इस्टेब्लिश किया गया था बाय द वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन इन पार्टनरशिप विद द WHO। इसी के साथ डेज और थीम्स खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्टेट्स करेंट अफेयर्स की, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? पीएम मोदी के द्वारा वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है महाराष्ट्र में। 76,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये। वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट्स इन इंडिया। दिस विल इन्हांस इंडियाज मैरिटाइम कनेक्टिविटी एंड स्ट्रेंथन इट्स पोजिशन एज ए ग्लोबल ट्रेड हब। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल डेवलप एन इंडस्ट्रियल सिटी इन बिटवीन विच टू सिटीज? तो यूपी गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल सिटी को झांसी और कानपुर, इन दोनों के बीच में इस्टेब्लिश करने वाली है। 36,000 एकड़ के एरिया में इस सिटी को डेवलप किया जाएगा और इसमें एक एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। विच स्टेट रिसेंटली पास्ड अ बिल अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ? ये स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। इसका नाम है बिल का हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स अमेंडमेंट बिल 2024। इसे हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंट्रोड्यूस किया था। एम है इसका टू डेटर एंड डिस्करेज MLAs फ्रॉम डिफेक्टिंग पार्टीज बाय डिसकंटिन्यूइंग देयर पेंशन। जो भी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जिस भी मिनिस्टर को, जो भी MLA वगैरह को डिसक्वालीफाई किया जाएगा, उसकी पेंशन उसको नहीं दी जाएगी, ठीक है, वो पेंशन के लिए एंटाइटल नहीं होगा। वट विल द पोबा रिजर्व फॉरेस्ट इन असम्स धेमाजी डिस्ट्रिक्ट सून बी नोटिफाइड एज?
पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में बहुत ही जल्दी नोटिफाई किया जाएगा। असम के धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में है ये पोबा रिजर्व फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ असम में लोकेटेड है। 1924 में इसे क्रिएट किया गया था और ये 10,221 हेक्टेयर के एरिया में मौजूद है। वैरायटी ऑफ ऑर्किड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इसे अब रिसेंटली ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दे दिया जाएगा। वेयर हैज़ उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड द जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। इसे यूपी के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में यूपी के सीएम के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। जटायु जो होते हैं वल्चर, एशियन किंग वल्चर या फिर रेड हेडेड वल्चर, इसके लिए कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है। इन विच स्टेट हैज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ट्राइबल यूनिवर्सिटी बीन अनाउंस्ड रिसेंटली। ये महाराष्ट्र में अनाउंस की गई है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाई जाएगी और जिसमें ट्राइबल स्टूडेंट्स, ट्राइबल कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा 80% तक। नासिक महाराष्ट्र में ये यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इन विच स्टेट हैज़ द 20,942 फुट हाई पीक वन बीन नेम्ड सांगयांग ग्यात्सो पीक। ये पीक है अरुणाचल प्रदेश में, सांगयांग ग्यात्सो पीक। रिसेंटली 15 मेंबर टीम लेड बाय एन आर्मी कर्नल स्केल्ड एन अनट्रीटेड 20,000 अरुणाचल प्रदेश में है ये। अभी तक इसका कुछ नाम नहीं था, है ना, अनट्रीटेड पीक थी ये, तो अभी नाम इसको दिया गया सांगयांग ग्यात्सो पीक इन द ओनर ऑफ द 6th दलाई लामा रिगचिन सांगयांग ग्यात्सो। अरुणाचल प्रदेश में ही सांगयांग ग्यात्सो का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, द डस्ट फ्री ड्राइव हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी। ये है दिल्ली। डस्ट फ्री दिल्ली इनिशिएटिव को शुरू किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा दिल्ली में जो बढ़ता एयर पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए। ऑब्जेक्टिव है इसका टू रिड्यूस द लेवल ऑफ पोल्यूशन स्पेशली बिफोर द विंटर सीजन। स्टेट्स करंट अफेयर्स इतने ही थे, अभी नेक्स्ट आते हैं आर्ट एंड कल्चर और फेयर्स और फेस्टिवल्स। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर रहा है सितंबर में उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच यूनिवर्सिटीज मेन बिल्डिंग विल द वैदिक 3D म्यूजियम इन वाराणसी बी कंस्ट्रक्टेड। इसे संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, यहाँ पर वैदिक 3D म्यूजियम बनाया जाएगा वाराणसी में। इंडियन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, वैदिक लिटरेचर, इन सभी के लिए डेडिकेटेड होने वाला है ये म्यूजियम। वैदिक लिटरेचर का किस तरह इवोल्यूशन हुआ उन सबको ये दिखाएगा, ठीक है। तो संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग के अंदर ये म्यूजियम बनाया जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट विल ओपन थिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर इन विच कंट्री। इसे सिंगापुर में ओपन किया जाएगा। पीएम मोदी जो है सिंगापुर के लिए विजिट में गए थे, ब्रुनेई और सिंगापुर के लिए। सिंगापुर विजिट के दौरान कई सारे एग्रीमेंट किए गए हैं इंडिया और सिंगापुर के बीच में, जिनमें से एक है सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाने के लिए। फिर इसके अलावा रिसर्च और इनोवेशन हेल्थ सेक्टर में प्रमोट करने के लिए दोनों के बीच किया गया एग्रीमेंट। फिर सिंगापुर में इंडियन गवर्नमेंट थिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर इसको ओपन करेगी, इसको सेटअप करेगी, ये भी उसी दौरान किया गया था। फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में अग्रीमेंट किया गया है। हु हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया 5 सितंबर को, और उस टाइम पर पीएम मोदी सिंगापुर में थे तो उनके द्वारा वर्चुअली एड्रेस किया गया था इस फेस्टिवल को, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा। क्रॉप फेस्टिवल नुआखाई हैज़ बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली इन विच स्टेट। तो ये जो फेस्टिवल है उड़ीसा में, इसको सेलिब्रेट किया जाता है नुआखाई को। उड़ीसा के अलावा झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी मनाते हैं, लेकिन ये मेन फेस्टिवल उड़ीसा का है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। गणेश चतुर्थी के बाद फार्मर्स के द्वारा इसको मनाया जाता है। जो भी न्यूली हार्वेस्टेड क्रॉप होती है उसकी पूजा की जाती है, और जो नया क्रॉप होता है, जो नई क्रॉप उगती है चावल, उसको बना के खाते हैं फिर फैमिली वाले सारे। वेयर हैज़ द जास्कर फेस्टिवल 2024 बीन ऑर्गेनाइज। इस फेस्टिवल को लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया जाता है। कोई फिक्स डेट नहीं है इस फेस्टिवल की, अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत को सेलिब्रेट करते हुए ये जो फेस्टिवल है मनाते हैं लद्दाख में। विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैज़ बीन नेम्ड द मोस्ट फोटोजेनिक इन एशिया बाय टाइम्स ट्रेवल। ये है अंकोरवाट टेम्पल, कहाँ पर है, कंबोडिया में है ये। मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एशिया में रही है ये टाइम्स ट्रेवल के द्वारा। कुछ और साइट्स देखिए तो इंडिया में ताजमहल और हम्पी हैं, चाइना में ग्रेट वॉल है, म्यांमार में एंशियंट सिटी ऑफ बागान, और इंडोनेशिया की बोरोबुदूर है। मोस्ट फोटोजेनिक है अंकोरवाट। वेयर विल द भारतीय कला महोत्सव बी हेल्ड। ये महोत्सव हैदराबाद में देखने को मिला। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और डोनर मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, दोनों के द्वारा मिलकर इसको हैदराबाद तेलंगाना में ऑर्गेनाइज किया गया। सिद्धेश्वरी टेम्पल हैज़ रिसेंटली बीन इनाग्रेटेड इन विच स्टेट। ये टेम्पल त्रिपुरा में इनाग्रेट किया गया। यूपी के सीएम और त्रिपुरा के सीएम दोनों ने मिलकर इसको इनाग्रेट किया त्रिपुरा में सिद्धेश्वरी टेम्पल को, ठीक है।
अब आ जाते हैं नेशनल करंट अफेयर्स पर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, हु अनवील्ड द फ्लैग एंड द इंसिग्निया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसको द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अनवील किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का नया फ्लैग और इंसिग्निया। ठीक है, कब किया गया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी नई दिल्ली में हुई थी, उसी कॉन्फ्रेंस के दौरान ये अनवील किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। इस कॉन्फ्रेंस को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था। केन्स सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड विल सेट अप इट्स सेमीकंडक्टर प्लांट एट विच प्लेस। तो ये देख रहे हैं आप, सनंद गुजरात में केन्स सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये प्लांट लगाया जाएगा। इंडियन कंपनी है ये, 3300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इसमें कंपनी के द्वारा की जाएगी और मिड 2025 तक ये काम करना भी शुरू कर देगी। वेयर इन महाराष्ट्र वॉज द विश्व शांति बुद्ध विहार इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन सितंबर 2024। विश्व शांति बुद्ध विहार इसको इनॉग्रेट किया गया है महाराष्ट्र के उदगीर में। गौतम बुद्धा की स्टैचू भी यहाँ पर लगाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हें भी ट्रिब्यूट पे किया गया है। और कालबुर्गी कर्नाटका में जो विहार है उसी का रेप्लिका है ये, ठीक है, जिसको उदगीर महाराष्ट्र में बनाया गया है। नेक्स्ट है, हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी। ये है अमित शाह, ऑप्शन सी करेक्ट है। यूनानिमसली इनको री इलेक्ट किया गया है पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी के चेयरमैन के रूप में। विच स्टेट हैज सेट अप ग्रिट एज अ थिंक टैंक लाइक नीति आयोग। नीति आयोग की तरह ग्रिट नाम का एक थिंक टैंक बनाया है गुजरात ने। ग्रिट की फुल फॉर्म क्या है? गुजरात स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट। इसके चेयरमैन चीफ मिनिस्टर रहेंगे और वाइस चेयरमैन रहेंगे फाइनेंस मिनिस्टर। 10 मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी इसके लिए, जो कि ओवरसी करेगी इसके कामकाज को। नेक्स्ट है, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ वेबसाइट विद टेक्निकल टर्म्स इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस। 22 लैंग्वेजेस में एक वेबसाइट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी अंडर द एजिस ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसने एक वेबसाइट लॉन्च की है, 22 इंडियन लैंग्वेजेस इसमें प्रोवाइड की गई हैं। इट एम्स टू बी अ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ ऑल ग्लॉसरीज प्रिपेयर्ड फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। इसका अल्टीमेट टारगेट है टू प्रोवाइड 450 वोकैबुलरीज। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ मिशन मौसम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट। इसका ड्यूरेशन है 2 साल का। ये जो मिशन है ये स्ट्रेंथन करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेसिटी को भारत की इन वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड साइंसेज। 2000 करोड़ रुपए इसके लिए अप्रूव किए गए हैं, 2 साल के लिए मिशन है। एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिफेंस, एनवायरनमेंट, एविएशन, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज, पावर, टूरिज्म और हेल्थ, इन सभी सेक्टर्स में इससे बेनिफिट मिलने वाला है। द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार हैज़ बीन चेंज्ड फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू श्री विजयपुरम, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर से नाम चेंज करके श्री विजयपुरम अब कैपिटल हो गई है यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द इंडियन इंटरनेशनल मेरीटाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर बी सेटअप। इसको सेटअप किया जाएगा मुंबई में। मेरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी, 20th मीटिंग कहाँ पर हुई थी? गोवा में। और इसी में ये बोला गया है कि इंडियन इंटरनेशनल मेरीटाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर मुंबई में सेटअप किया जाएगा। मेरीटाइम डिस्प्यूट जो भी होते हैं उनके सेटलमेंट के लिए ये एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। इसको प्रपोज किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस टॉपिक पर हमने सेपरेट वीडियो भी एक की हुई है जिसमें सारे फैक्ट इससे रिलेटेड उसमें प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, एक कमेटी बनाई गई थी रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, उसी ने कंसिडर किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन इसको लागू किया जा सकता है। मतलब यह है कि पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज और लोकल बॉडीज इन सभी के इलेक्शन साइमल्टेनियसली हों। मतलब ऐसा कि 100 दिन के अंतराल में ही सारे इलेक्शन एक साथ करवा दिए जाएं, ऐसा ना हो कि हर साल कुछ कुछ इलेक्शन हो रहे हैं, 5 साल में एक बार और 100 दिन के अंदर ही सारे इलेक्शन हो जाएं। व्हेन वाज द इंडस वाटर ट्रीटी साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसे 19 सितंबर 1960 में साइन किया गया था। और अभी इसमें चेंजेस की बात की जा रही है भारत की तरफ से, ऐसा नोटिस भेजा जा रहा है पाकिस्तान को कि ये ट्रीटी को हमें रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न हैज़ ओपन्ड अ सेंटर इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो भारत के नई दिल्ली में यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ने अपना सेंटर ओपन किया है। इट विल फैसिलिटेट कोलैबोरेशन एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन रिसर्च एंड एकेडमिया। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 पर आती है ये। वेयर डिड प्रेजिडेंट मुर्मू अटेंड द सफाई मित्र सम्मेलन ऑर्गेनाइज एज पार्ट ऑफ द स्वच्छता ही सेवा 2024 कैंपेन। सफाई मित्र सम्मेलन इसे अटेंड किया है प्रेसिडेंट ने उज्जैन मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए करेक्ट है। सैनिटेशन वर्कर्स को ओनर करना इसका मेन अभी फोकस है इस साल के इस कैंपेन का। ठीक है, MP में इनके द्वारा इसे अटेंड किया गया। हु लॉन्च्ड वाई रेवोल्यूशन 2.0। इसे अमित शाह ने लॉन्च किया है।
फॉर द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ 2 लाख न्यू मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड डेयरी एंड फिशरी कोऑपरेटिव्स। 4 एरियाज पर फोकस करता है ये प्रोग्राम, एम्पावरिंग वुमेन फार्मर्स, एनहांसिंग लोकल मिल्क प्रोडक्शन, स्ट्रेंथनिंग डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बूस्टिंग डेयरी एक्सपोर्ट्स। इसके अलावा रुपए किसान क्रेडिट कार्ड्स भी लॉन्च किए गए हैं डेयरी फार्मर्स के लिए। विच इज़ द न्यू एयरलाइन ऑफ इंडिया दैट हैज़ गॉट अप्रूवल फ्रॉम द एविएशन मिनिस्ट्री? इसका नाम है शंख एयर। एविएशन मिनिस्ट्री से इसे अप्रूवल मिला है, नई एयरलाइन है ये, पहली शेड्यूल एयरलाइन है उत्तर प्रदेश की। एयरलाइन प्लान्स टू कनेक्ट मेजर सिटीज ऑफ इंडिया बाय एस्टेब्लिशिंग लखनऊ एंड नोएडा एज इट्स हब्स। सिविल एविएशन मिनिस्टर हमारे राम मोहन नायडू हैं। इंडिया हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ 2 new consulates इन विच कंट्री? तो भारत अपने नए 2 नए कॉन्सुलेट्स खोलेगा USA में, एक होगा बॉस्टन में, दूसरा लॉस एंजलस में। ठीक है, विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन गोवा फ्रॉम November 20th to 28th, 2024? नवंबर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये होने वाला है, कौन सा एडिशन होगा इसका? 55th एडिशन होगा। 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, डायरेक्टर कौन है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के? शेखर कपूर हैं। गोवा में होगा ये, गोवा के सीएम हैं प्रमोद सावंत। विच इज़ द ओनली सिटी इन इंडिया वेयर द ट्रैम सर्विस इज ऑपरेशनल? ये शहर है कोलकाता। और अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने प्लान किया है टू डिसकंटिन्यू द आइकॉनिक ट्रैम सर्विस इन कोलकाता एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्ट्रेचेस। एकमात्र कोलकाता ऐसा शहर है भारत का जहाँ पर ट्रैम नेटवर्क अभी भी ऑपरेशनल है और अभी बंद होने वाली है कुछ जगहों को छोड़कर। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पर। धुलीखेल हैज़ बिकम द फर्स्ट WHO रिकॉग्नाइज्ड हेल्दी सिटी ऑफ विच कंट्री? ये शहर है नेपाल का जो कि WHO के द्वारा हेल्दी सिटी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। इसे पहली हेल्दी सिटी है नेपाल में एंड द सेकेंड हेल्दीएस्ट सिटी इन एशिया बाय द WHO। धुलीखेल हैज़ रिसीव्ड रिकॉग्निशन फॉर सिटीजन हेल्थ आउटरीच पॉलिसी पार्टनरशिप्स एंड इनोवेटिव हेल्थ इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होल्ड्स द रोटेटिंग चेयरमैनशिप ऑफ द SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट इन 2024? ये कंट्री है पाकिस्तान। SCO की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग जो है पाकिस्तान के द्वारा होस्ट की जा रही है इस्लामाबाद में और पाकिस्तान ने इसके लिए PM मोदी को भी इन्वाइट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट टेम्परेचर एवर? ये कंट्री है ईरान। ऑप्शन बी करेक्ट है, साउथ ईरान में एक विलेज है जहाँ पर 82.2 degrees Celsius का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। ये हाईएस्ट टेम्परेचर है रिकॉर्डेड सो फार। द ड्यू पॉइंट वाज 36.1 degrees Celsius। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कंडेंसेस एंड टर्न्स इनटू वाटर। अगर लंबे समय तक 40 से लेकर 54 degrees Celsius का टेम्परेचर देखने को मिलता है तो हीट स्ट्रोक का रिस्क वहाँ पर बढ़ जाता है। और अभी तक का हाइएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है साउथ ईरान के एक गाँव में। Who became the oldest Indian to swim solo across the English Channel in 2024? इनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। बेंगलुरु के हैं, oldest Indian बने हैं to swim solo across the English Channel और 42 किलोमीटर को इन्होंने 15 घंटे 6 मिनट में कंप्लीट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who is the first Indian Prime Minister to visit Brunei? ये है नरेंद्र मोदी। ब्रुनेई के कैपिटल है बंदर सेरी बेगावन, यहाँ पर इन्होंने विजिट किया। ब्रुनेई और सिंगापुर दोनों कंट्रीज़ की विजिट पर ये थे और पहली विजिट थी किसी भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर की ब्रुनेई के लिए। ब्रुनेई और सिंगापुर दोनों ही आसियान कंट्रीज़ के मेंबर हैं और इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसके इम्पोर्टेंट पार्टनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल मजीद टिबॉन हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये अल्जीरिया के प्रेजिडेंट के रूप में री इलेक्ट हुए हैं, इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा। माइकल बर्नियर हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये बने हैं फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर। फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये है माइकल बर्नियर। सुपर टाइफोन यागी हैज़ रिसेंटली हिट साउथ ईस्ट एशिया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द जापानीज वर्ड यागी? यागी जो शब्द है ये जापानीज शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? गोट होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया को हिट किया है इस टाइफून यागी ने। विच कंट्री बिकेम द 101st मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ये कंट्री है नेपाल जो कि 101वां सदस्य बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ISA इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। 101वां देश है इसका मेंबर नेपाल और 100th मेंबर कौन था? पराग्वे था। हु हैज़ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? इसका नया मेंबर अल्जीरिया बना है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ब्रिक्स का बैंक है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है,
विच कंट्री विल इंट्रोड्यूस अ मिनिमम एज लॉ फॉर सोशल मीडिया यूज़। ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया जो जिसने डिसाइड किया है कि मिनिमम एज कितनी होगी सोशल मीडिया यूज़ के लिए। इससे रिलेटेड लॉ बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। विच कंट्री रिसेंटली टुक सीट एज अ मेंबर कंट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन द 79th जनरल असेंबली सेशन। ये कंट्री है पैलेस्टीन। ये मेंबर अभी तरह से फुल फ्लेज्ड मेंबर नहीं है अभी तक यूनाइटेड नेशंस का, लेकिन एक मेंबर कंट्री के रूप में ही इसे सीट प्रोवाइड की गई है जनरल असेंबली के सेशन में। ठीक है, तो पैलेस्टीन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू टाइफून याकी विच अफेक्टेड वियतनाम एंड द लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अभी हमने पीछे देखा था ना, टाइफून याकी जापानी शब्द है यागी जिसका मतलब होता है गोट। साउथ ईस्ट एशिया को इसने हिट किया है और भारत सरकार ने याकी से अफेक्टेड जो भी कंट्रीज़ हैं, जो भी लोग हैं, उनको हेल्प करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन आफ्टर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर हैं जफर हसन। जॉर्डन में किंग भी हैं अब्दुल्ला सेकेंड और अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जफर हसन। इन अ सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड विच कंट्री एज द फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट लेप्रोसी हैविंग रिपोर्टेड नो लोकल केसेज फॉर ओवर 20 ईयर्स। ये कंट्री है जॉर्डन। WHO ने डिक्लेयर किया है जॉर्डन को पहली कंट्री जिसने लेप्रोसी को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है। 20 साल से ज़्यादा समय से यहाँ पर कोई भी लोकल केस देखने को नहीं मिला है लेप्रोसी का। लेप्रोसी एक कंटेजियस डिजीज़ है। इट इज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई बैक्टीरिया। लेप्रोसी इज़ ऑल्सो कॉल्ड हैंसन्स डिजीज़। और WHO के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधनोम गेब्रियासिस। माइकल बर्नियर प्राइम मिनिस्टर बने हैं फ्रांस के। ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव। इसको लॉन्च किया है क्वाड ने। क्वाड कंट्रीज़ की 6 समिट हुई थी उसी में इसको लॉन्च किया गया है। इसका एम है टू रिड्यूस द कैंसर बर्डन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। कैंसर प्रिवेंशन डिटेक्शन ट्रीटमेंट और केयर इन सभी को प्रमोट किया जाएगा इस इनिशिएटिव के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। इनका नाम है अनुरा कुमार दिशानायके। श्रीलंका के 9th प्रेसिडेंट बने हैं 6 साल के टर्म के लिए। इनसे पहले रानिल विक्रम सिंह थे प्रेसिडेंट श्रीलंका के। हु हैज़ रिप्लेस्ड दिनेश गुणवर्धने एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका को नए प्रेसिडेंट भी मिले हैं और नए प्राइम मिनिस्टर भी मिले हैं। अभी तक दिनेश गुणवर्धने थे, इनकी जगह पर हरिनी अमरसूर्या, ये हैं वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पिक्चर में भी इनको आप देख रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएटेड हैं ये। विच कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ G4 अदर देन इंडिया विच एडवोकेट रिफॉर्म इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। G4 कंट्रीज हैं जिनमें भारत भी शामिल है। भारत के अलावा ब्राज़ील, जर्मनी और जापान भी G4 में है। तो 4 कंट्रीज हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म के लिए बात करते हैं, बार बार बात उठाते हैं। ठीक है, तो G4 कंट्रीज़ का नाम याद रखिएगा, भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान। हु इज़ सेट टू बिकम जापान्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। अगला आते हैं स्कीम्स और पोर्टल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द शी बॉक्स पोर्टल रिसेंटली। इसे लॉन्च किया है अन्नपूर्णा देवी ने। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं अन्नपूर्णा देवी। शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव है मेकिंग वर्क प्लेसेज सेफ फॉर वुमेन। वर्किंग वुमेन कैन रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स थ्रू दिस पोर्टल। इसके जरिए कंप्लेंट्स को मॉनिटर भी किया जा सकता है। दिस स्टेप हैज़ बीन टेकन आफ्टर द कोलकाता रेप एंड मर्डर केस। हु लॉन्च द एग्री श्योर फंड सेटअप टू सपोर्ट स्टार्टअप्स इन द एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट सेक्टर्स। एग्री श्योर फंड को लॉन्च किया है शिवराज सिंह चौहान ने। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं ये शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने एग्री श्योर फंड लॉन्च किया है। एग्री श्योर इसकी फुल फॉर्म है एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेस। ये कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये फंड एक क्लोज्ड एंडेड स्कीम है और इसकी ड्यूरेशन 10 साल की है विच कैन बी एक्सटेंडेड बाय 2 ईयर्स। नाबार्ड के द्वारा इस फंड को मैनेज किया जाएगा। इट विल बी अंडर द रेगुलेशन ऑफ द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी। हु लॉन्च द विजन नेक्स्ट वेब पोर्टल। इसको लॉन्च किया है गिरिराज सिंह ने। टेक्सटाइल मिनिस्टर्स हैं ये। इंडिया को ग्लोबल फैशन लीडर के रूप में बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया, इस वेब पोर्टल को। द वेब पोर्टल विल यूज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड इंडिया स्पेसिफिक रियल टाइम ट्रेंड इनसाइट्स फॉर द
इंडियन फैशन इंडस्ट्री। वेयर वॉज द जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन सितंबर 2024। इसे लॉन्च किया गया सूरत गुजरात में। पीएम मोदी ने वर्चुअली इसे लॉन्च किया है। ये एक जॉइंट स्कीम है यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति और गुजरात गवर्नमेंट की। एम है इसका टू एनहांस द स्टेट्स वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स बाय कंस्ट्रक्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स अक्रॉस द स्टेट एंड रिचार्जिंग द अंडरग्राउंड एक्विफर्स। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द फोर्थ फेज ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसका ड्यूरेशन 2024 से लेकर 2029 तक रहने वाला है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे फेज का इसे लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2000 में टू कनेक्ट एलिजिबल रूरल हैबिटेशन विद ऑल वेदर रोड्स एज पार्ट ऑफ इट्स पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रैटेजी। अब इसका फोर्थ फेज लॉन्च किया गया है 2024 से लेकर 2029 तक के लिए। विच ऐप वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन फिशरीज मिनिस्टर। ये ऐप है रंगीन मछली। मिनिस्टर कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है राजीव रंजन सिंह। इन्हीं ने लॉन्च की है रंगीन मछली मोबाइल ऐप भुवनेश्वर में। द ऐप विल प्रोवाइड मल्टीलिंगुअल इंफॉर्मेशन ऑन पॉपुलर ऑर्नामेंटल फिश स्पीशीज इन 8 इंडियन लैंग्वेजेस। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ वंदे मेट्रो? इसका नाम है नमो इंडिया रैपिड रेल। भुज और अहमदाबाद के बीच में इसे लॉन्च किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसमें रहने वाली है। इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी लॉन्च द सुभद्रा योजना? इसको ओडिशा में लॉन्च किया है पीएम मोदी ने। अराउंड 1 करोड़ वीमेन अक्रॉस द स्टेट विल बेनिफिट फ्रॉम द सुभद्रा स्कीम। इसमें महिलाओं को 10,000 रुपये एनुअली प्रोवाइड किए जाएंगे 2 इंस्टॉलमेंट्स में। दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी गिवन फॉर 5 ईयर्स। हु लॉन्च द NPS वात्सल्य स्कीम? इसे लॉन्च किया है निर्मला सीतारमन ने। इसके अलावा इन्होंने परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर PRAN कार्ड्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है टू न्यू माइनर सब्सक्राइबर्स। ये जो स्कीम है NPS वात्सल्य स्कीम 2024-25 की यूनियन बजट स्पीच में इन्होंने अनाउंस की थी। ये PFRDA जो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसके द्वारा रेगुलेट की जाएगी। नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य इज़ फॉर माइनर्स अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज एंड हु आर रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। वट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड बायो राइड स्कीम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? इसकी ड्यूरेशन है 5 साल की। बायो राइड की फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट है इसकी स्कीम है। स्टार्टअप्स के लिए इकोसिस्टम को प्रमोट करना इसका एक उद्देश्य है। वट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द रिसेंटली अप्रूव्ड प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान स्कीम? इसके लिए ड्यूरेशन है 5 साल का। टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्रीज ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। 5 साल ड्यूरेशन इसकी रहेगी। CM साथ स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? इसको लॉन्च किया गया त्रिपुरा में। CM साथ फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप फॉर असिस्टेंस टू टैलेंटेड एंड हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। त्रिपुरा के CM कौन है? मनिक साह। दिस स्कीम विल सपोर्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हु नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस। इसमें 60,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस 200 स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। 5,000 रुपये मंथली जिसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड की। तो यहाँ देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल लॉन्च्ड? इसका नाम है समुद्र प्रताप। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया और बनाया गया है। भारत की पहली पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। इंडिजिनसली बनाया गया है इसको। लेंथ है इसकी 114.5 मीटर्स और विड्थ है 16.5 मीटर्स। प्रोजेक्ट हैज़ मोर देन 60% इंडिजिनस कंटेंट। इट विल हेल्प इन कंडक्टिंग पोल्यूशन कंट्रोल वेसल लीकेज रिस्पॉन्स कैंपेन्स। विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली ओपन्ड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन अबू धाबी UAE? यह है IIT दिल्ली। अबू धाबी में पहला इंटरनेशनल कैंपस IIT दिल्ली के द्वारा खोला गया है। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा इसमें। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट वन टू प्रोवाइड पेंशन टू लॉयर्स? ये पहला स्टेट इस तरह का झारखंड बना है जो लॉयर्स को पेंशन प्रोवाइड करेगा। ऐसे लॉयर्स जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, 7,000 रुपये पर मंथ लॉयर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे पेंशन के रूप में। क्या हो रहा है ना, कुछ लॉयर्स ऐसे हैं जो एडवोकेट्स वेलफेयर फंड से जिन्हें 7,000 रुपये प्रोवाइड किए जाते हैं ऑलरेडी। अब 7,000 रुपये झारखंड गवर्नमेंट भी देगी, तो इस तरह से 14,000 रुपये पर मंथ लॉयर्स को पेंशन के रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे। हु बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ वोटर्स टू इलेक्ट जजेस एज एट ऑल लेवल्स? अभी तक जनप्रतिनिधियों को ही चुना जाता है लोगों के जरिए, है ना, इलेक्शंस के जरिए, वोटर्स के जरिए। लेकिन अब पहली कंट्री बना है जो कि जजेस को भी इलेक्ट करके भेजेगा सभी लेवल पर। ये कंट्री है मेक्सिको।
ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। फिर आते हैं विच कंपनी डेवलप्ड द फर्स्ट एमपॉक्स वैक्सीन अप्रूव्ड बाय द WHO फॉर एडल्ट मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉर अमेरिका। ये कंट्री है बवेरियन नॉर्डिक AS, ये कंपनी है बवेरियन नॉर्डिक AS। WHO ने अप्रूव किया है पहली एमपॉक्स वैक्सीन को एडल्ट के लिए डेवलप्ड बाय बवेरियन नॉर्डिक AS मार्किंग अ क्रूशियल स्टेप इन अफ्रीका। ठीक है, एमपॉक्स जो है मंकी पॉक्स उसके लिए वैक्सीन अफ्रीका के लिए। हु इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू बिकम एन इंटरनेशनल क्रिकेट अम्पायर। इनका नाम है सलीमा इम्तियाज। सलीमा इम्तियाज पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, पहली पाकिस्तानी वुमेन बनी है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट अम्पायर बनी है। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट CO2 टू मेथेनॉल पायलट प्लांट बी सेटअप। ये सेटअप किया जाएगा पुणे महाराष्ट्र में। इस प्लांट के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाएगा मेथेनॉल में। द प्लांट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द यूज ऑफ CO2 इन द कोल बेस्ड थर्मल पावर सेक्टर। मेथेनॉल CH3OH इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस है जिसे प्लास्टिक्स, पेंट्स कलर्स और प्लास्टर पीसेज में यूज किया जाता है। वेयर विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी मटीरियल चिप फैब्रिकेशन यूनिट फॉर नेशनल सिक्योरिटी बी सेटअप। इसको उत्तर प्रदेश में सेटअप किया जाएगा। इंडिया और US दोनों जॉइंटली सेटअप करेंगे वर्ल्ड का पहला मल्टी मटीरियल चिप फैब्रिकेशन यूनिट भारत में, और भारत में कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में इसको किया जाएगा। ये जो नई फैब्रिकेशन यूनिट होगी इसे शक्ति के नाम से स्थापित किया जाएगा। अब आ जाते हैं बैंकिंग और इकोनॉमिक्स के करेंट अफेयर्स पर। यहाँ पहला क्वेश्चन है विच सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैज़ बीन अकॉर्डेड नवरत्न स्टेटस। ये एंटरप्राइज है NHPC, मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस से प्रमोट करके नवरत्न स्टेटस इसे प्रोवाइड किया गया है। अब ये स्टेटस इम्प्रूव होने से, अपग्रेड होने से क्या फ़ायदा होगा, तो इसे ग्रेटर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्राप्त होगी कंपनी के मैनेजमेंट के लिए। विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाइएस्ट ग्रोथ इन रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन फाइनेंशियल ईयर 24 अमंग द 10 लार्जेस्ट स्टेट्स। रियल GDP में, GSDP में हाइएस्ट ग्रोथ रेट देखी गई है तेलंगाना में, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। तेलंगाना और तमिलनाडु ये दोनों ही स्टेट्स जो हैं टॉप GSDP ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है 10 लार्जेस्ट स्टेट्स में फाइनेंशियल ईयर 24 में। तेलंगाना की ग्रोथ रेट जो है 9.2% रही है और तमिलनाडु की 8.2%। राजस्थान में भी ग्रोथ देखने को मिली 8% की, और महाराष्ट्र जो है ये फोर्थ नंबर, और महाराष्ट्र जो है 24.1 लाख करोड़ रियल GSDP के साथ में लार्जेस्ट इकोनॉमी रही है भारत की। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इनका नाम है तुहीन कांत पांडे। इनसे पहले TV सोमनाथन थे, उनकी जगह पर अब ये आ गए हैं 2 साल के लिए। GST ऑन कैंसर ड्रग हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% टू हाउ मच इन द 54th GST काउंसिल मीटिंग। तो पहले कैंसर की दवाइयाँ जो थी उन पर GST 12% था, वो कम करके 5% कर दिया गया है। सेलेक्ट स्नैक्स पर GST 18% से कम करके 12% हो गया है। कार सीट्स, रेलवे, AC मशीन्स, इन सभी पर GST 28% कर दिया गया है। इन सितंबर 2024 द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द सेल ऑफ 100% इक्विटी इन फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड टू विच कंपनी। तो जो कंपनी है फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, इसकी इक्विटी को 100% बेचने के लिए अप्रूवल दे दिया है। कौन सी कंपनी को? कोनाइके ट्रांसपोर्ट को लिमिटेड को। फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड ये पब्लिक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, तो एक तरह से स्ट्रैटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रूवल सरकार के द्वारा दिया गया है। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ प्रपोज्ड द डेवलपमेंट ऑफ एडू सिटीज इन नवी मुंबई एंड MTHL। यह नीति आयोग जिसने नवी मुंबई और MTHL यहाँ पर एडू सिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए प्रपोजल दिया है नीति आयोग ने, टू इन्हेंस हायर एजुकेशन इन द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, ताकि इनको एजुकेशन हब एक तरह से बनाया जा सके। द विवाद से विश्वास स्कीम एम्स टू रिड्यूस पेंडिंग लिटिगेशन कंसर्निंग विच टाइप ऑफ टैक्सेशन। तो डायरेक्ट टैक्स जो है, ये जो भी पेंडिंग केसेस पड़े हैं डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, इन्हें कम करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, विवाद से विश्वास स्कीम को 2020 में। द स्कीम एम्स टू एंड लिटिगेशन एंड लेगेसी डिस्प्यूट्स अंडर द डायरेक्ट टैक्सेस कैटेगरी एज 9.32 लाख करोड़ रुपीज़ वर्थ ऑफ रेवेन्यूज ब्लॉक्ड इन अप्रोक्सीमेटली 4.8 लाख अपील पेंडिंग एट वेरियस इनकम टैक्स अपीलेट फोरम्स। KVS मनियन हैज़ बिकम द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। इनको फेडरल बैंक का MD और CEO बनाया गया है। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है लुवा केरला में। फाउंडर है इसके KP हॉर्मिस। 1931 में त्रावणकोर फेडरल बैंक के रूप में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पर जो कि है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है Who has been appointed as the 33rd Cabinet Secretary of the Government of India? इनका नाम TV सोमनाथन है।
अभी तक फाइनेंस सेक्रेटरी थे लेकिन फाइनेंस सेक्रेटरी नए बन गए हैं, ये कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिए गए हैं अब 2 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार इफेक्टिव फ्रॉम August 31, 2024 आफ्टर प्रीवियसली सर्विंग एज द कोल सेक्रेटरी। बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं अमृत लाल मीना, पहले कोल सेक्रेटरी थे, अभी बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फिक्की यूथ आइकन, ये डिक्लेयर किए गए आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज नेम्ड द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ द ITTF फाउंडेशन, इनका नाम है शरद कमल, ITTF फाउंडेशन के पहले इंडियन एम्बेसडर बने हैं ये। 5 बार ओलंपियन रह चुके हैं, मेल फ्लैग बियरर थे भारत के लिए एट द रिसेंट पेरिस ओलंपिक। टेबल टेनिस में सबसे ज़्यादा मेडल्स जीतने का इनके नाम खिताब है। अरुण गोयल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री, अरुण गोयल क्रोएशिया में भारत के एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल, इनका नाम है रणधीर सिंह, एशियन ओलंपिक काउंसिल के पहले इंडियन प्रेसिडेंट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू आइसलैंड, इनका नाम है आर रविंद्र, आइसलैंड में भारत के एम्बेसडर। हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, NCT दिल्ली, इसके चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और दिल्ली में अभी तक अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर थे, उनके इस्तीफा देने के बाद आतिशी मरलेना ये बनी है दिल्ली की नई CM। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, ये हैं मनु भाकर, इस मिनिस्ट्री के ब्रांड एम्बेसडर। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, NCB के DG बने हैं अनुराग गर्ग। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू द नेदरलैंड्स, नेदरलैंड में भारत के अगले एम्बेसडर हैं कुमार तुहेन, इससे पहले हंगरी और नामीबिया के एम्बेसडर के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड द कमिश्नर ऑफ द US नेशनल क्रिकेट लीग, ये हैं हरून लॉर्गट। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, NCRB के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हुए हैं आलोक रंजन। NCRB की स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेशनल पुलिस एकेडमी ये स्थापित हुई थी 15 सितंबर 1948 में, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में। और पुलिस एकेडमी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अमित गर्ग यहाँ पर जो देख रहे हैं हम ऑप्शन ए में, इन्हें डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है नेशनल पुलिस एकेडमी में, ठीक है। NCRB के डायरेक्टर हैं आलोक रंजन। हु हैज़ टेकन द ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट, ये हैं MS रामचंद्र राव। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू कम्बोडिया, इनका नाम है B. Vanlalvana। कम्बोडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं हुन मानियत, प्रेसिडेंट हैं हुन सेन, कैपिटल है नोम पेन और करेंसी है कम्बोडियन रियल। हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस, इसके प्रेसिडेंट बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू या फिर GC मुर्मू, हमारे CAG हैं ये, ठीक है। और 2024 से लेकर 27 तक के टर्म के लिए इनको अपॉइंट किया गया है इसके चेयरमैन के रूप में। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स और ओनर्स की बात कर लेते हैं अब। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली ओनर्ड विद द प्रेस्टिजियस रमन मैग्सेसे अवार्ड, ऑफन रेफर्ड टू एज एशियाज़ नोबेल प्राइज़ इन 2024। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 में हयाओ मियाज़ाकी को दिया गया है, इन्वायरमेंटल और पीस से रिलेटेड जो भी इन्होंने एड्रेस किए हैं इश्यूज़ को थ्रू हिज एनिमेटेड फिल्म्स, इसी के कंट्रीब्यूशन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इमैनुअल मैक्रोन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, हु हैज़ बीन अवार्डेड द ओलंपिक ऑर्डर, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं और इन्हें ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। अच्छा, ये भी याद रखिएगा 2024 में इंडियन शूटर अभिनव बिंद्रा को भी ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया है। बिंद्रा सेकंड इंडियन बने हैं जिन्हें ये ऑनर दिया गया है, इनसे पहले 1983 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को ये अवार्ड दिया गया था। फॉर विच इनिशिएटिव डिड द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024 गोल्ड कैटेगरी में, इस मिनिस्ट्री को पोषण ट्रैकर इसका जो इनिशिएटिव है इसके लिए नेशनल अवार्ड दिया गया है ई गवर्नेंस में। पोषण ट्रैकर पार्ट ऑफ मिशन पोषण 2.0 मॉनिटर्स द ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 0 to 6 यूजिंग रियल टाइम डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड एट द इंडियन स्टील कॉन्क्लेव 2024, ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर दसारी राधिका को। जेंडर इंक्लूजन को प्रमोट करने में इनका जो भी रोल रहा है स्टील इंडस्ट्री में, उसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है।
हु वन द सिंगापुर लिटरेचर प्राइज़ फॉर इंग्लिश फिक्शन फॉर द शॉर्ट स्टोरी साइकिल नाइन यार्ड सारीज। इंग्लिश फिक्शन है ये, नाम है नाइन यार्ड सारीज, सिंगापुर लिटरेचर प्राइज़ इसके लिए दिया गया प्रशांति राम को। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी पीपल वर ऑनर्ड विद द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो ये अवार्ड टोटल 15 लोगों को दिया गया है, 15 नर्सेस को फॉर देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स द ड्यूटी एंड सर्विस। 1973 में ये अवार्ड शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, और प्रेसिडेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। वेयर वॉज द 76th एमी अवार्ड सेरेमनी हेल्ड। ये सेरेमनी लॉस एंजलस में आयोजित की गई थी, और एमी अवार्ड्स में शोगन जो है इसने सबसे ज़्यादा 14 अवार्ड्स जीते हैं। एमी अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड फॉर द अमेरिकन एंड इंटरनेशनल टेलीविजन इंडस्ट्री, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं, और पहली बार अवार्ड दिए गए थे 1949 में। विच कंपनी रिसीव्ड द राजभाषा कीर्ति पुरस्कार फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये अवार्ड भेल BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दिया गया है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। ये एक महारत्न कंपनी है बेस्ड इन न्यू दिल्ली। हु वन द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल। ये टाइटल जीता है ध्रुवी पटेल ने। US से इंडियन ऑरिजिन स्टूडेंट हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। हु हैज़ वन द बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड एट द साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2024। ये अवार्ड ऐश्वर्या राय को दिया गया है। साउथ सिनेमा के लिए अवार्ड दिया जाता है साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स में ऐश्वर्या राय को मिला है अवार्ड पोन्नियिन सेल्विन 2 के लिए। हु वर अवार्डेड द बेस्ट मेल अवार्ड्स एट द फिडे 100 अवार्ड सेरेमनी। इसमें मैग्नस कार्लसन को बेस्ट मेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 5 बार वर्ल्ड चैंपियन ही रह चुके हैं। और बेस्ट फीमेल प्लेयर अवार्ड ये दिया गया है जूडिथ पॉलगर को, चेस प्लेयर है ये। विच इंडियन फिल्म हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द ऑफिशियल एंट्री फॉर द 97th अकेडमी अवार्ड्स, जिसे ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। 2025 ऑस्कर के लिए भारत की कौन सी फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है, ऑफिशियल एंट्री के लिए सेलेक्ट की गई है। ये फिल्म है लापता लेडीज, ऑप्शन भी करेक्ट है। ये फिल्म के प्रोड्यूसर हैं आमिर खान और किरण राव, डायरेक्टर हैं किरण राव, और इसे ऑफिशियल एंट्री दी गई है फॉर द इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी एट द 97th अकेडमी अवार्ड 2025। इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी इज़ फॉर द कंट्री सेलेक्टेड फीचर फिल्म। लॉस एंजलस USA में ये ऑस्कर अवार्ड्स की सेरेमनी 2025 में होगी। और लास्ट ईयर सुपरहिट मलयालम फिल्म 2018 एवरीवंस अ हीरो, इसे इंडिया की ऑफिशियल एंट्री दी गई थी 96th ऑस्कर अवार्ड 2024 में। वेयर विल द आईफा अवार्ड्स बी हेल्ड इन द ईयर 2025। आईफा अवार्ड्स 2025 में जयपुर में होंगे। इसके लिए आईफा और राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट के बीच में MOU साइन किया गया है। हु वन द मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 टाइटल। ये टाइटल जीता है रिया सिंघा ने। 19 ईयर ओल्ड हैं, गुजरात से, मिस यूनिवर्स इंडिया जयपुर में हुआ था, उसमें इन्होंने जीता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवार्डेड द यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड फॉर सक्सेस इन कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। ये अवार्ड दिया गया है ICMR को, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को। 2024 का यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड, इसे ये अवार्ड मिला है ICMR को फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स मेंटल हेल्थ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड टू रिसीव द एकलव्य पुरस्कार 2024। ये अवार्ड प्रत्याशा रे को दिया गया है, ओडिशा की स्विमर है। 7 लाख रुपए का कैश प्राइज भी इसमें प्रोवाइड किया गया है। इनके अलावा स्प्रिंटर डोंडापट्टी मृत्यम जया राम और बैडमिंटन प्लेयर तानवी पात्री, इन्हें भी ओनर किया गया है। 1.5 लाख रुपए दोनों को प्रोवाइड किए गए हैं एकलव्य पुरस्कार 2024। विच फिल्म प्रोड्यूसर रिसीव्ड एन ओनर एट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स UK पार्लियामेंट। ये प्रोड्यूसर हैं विनोद बच्चन। प्रेस्टिजियस ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया है हाउस ऑफ लॉर्ड्स UK पार्लियामेंट में फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। विच स्टेट विलेजेस हैव बीन कन्फर्ड द 2024 बेस्ट टूरिज्म विलेजेस कॉम्पिटिशन अवार्ड इन द वाइब्रेंट विलेज कैटेगरी। ये कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के विलेजेस को ये अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर के दिन 2024 बेस्ट टूरिज्म विलेजेस कॉम्पिटिशन की कैटेगरी में। नेक्स्ट यहाँ पर स्पोर्ट्स करंट अफेयर पर बातें हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है इन विच इवेंट डिड प्रीति पाल विन अ ब्रॉन्ज मेडल एट पेरिस पैरालंपिक्स। प्रीति पाल ने 3500 मीटर इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है पेरिस पैरालंपिक में। गोल्ड मेडल इसमें चाइना की जोउ जिया ने जीता है। सिल्वर मेडल भी चाइना की
गुओ किनकियान ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, भारतीय खिलाड़ी प्रीति पाल ने जीता, और ये इंडिया का फर्स्ट एवर मेडल है इन ट्रैक इवेंट एट द पेरिस पैरालंपिक गेम्स। ठीक है, इसके अलावा देखिए मनीष नरवाल, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है SH1 कैटेगरी में मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में। अवनी लिखारा पहला मेडल भारत के लिए लेकर आई पेरिस पैरालंपिक गेम्स में SH1 कैटेगरी में वुमेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 8th वुमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024। ये ट्रॉफी जो है इसको होस्ट करने वाला है भारत। ऑप्शन ए करेक्ट है, भारत में भी राजगीर बिहार में ये चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट होने वाला है। सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम भारत इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है। पहले वाला जो हुआ था 2023 में वो भी भारत में रांची झारखंड में हुआ था और इंडियन टीम उसमें जीती थी। अब सेकेंड बार लगातार भारत में फिर से होगा राजगीर बिहार में। रूबीना फ्रांसिस एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024 विच मेडल हैज़ शी वॉन, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। पैराशूटर है ये, SH1 कैटेगरी वुमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। मोहन बागान सुपर जायंट फुटबॉल क्लब वॉज डिफीटेड बाय विच टीम इन द फाइनल ऑफ द 133rd डूरंड फुटबॉल कप 2024। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा फाइनल में मोहन बागान सुपर जायंट फुटबॉल क्लब को हराया गया है। गुवाहाटी बेस्ड है ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और डूरंड कप टाइटल इसका पहला है ये। ठीक है, पहली बार ये डूरंड कप टाइटल जीता है मोहन बागान को हराकर। डूरंड कप की बात कर लेते हैं, 133rd एडिशन खेला गया है इसका। एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है और कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसको खेला गया। फाइनल मैच जो है वो यहाँ पर खेला गया। इसके अलावा कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलोंग, इन चार शहरों में ये टूर्नामेंट हुआ था। लुइस सुआरेज हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। ही बिलोंग्स टू विच साउथ अमेरिकन कंट्री। ये उरुग्वे के प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं और इन्होंने अभी अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। हु हैज़ वन द मेन सिंगल्स टाइटल ऑफ द 2024 दुआंकू मुहरिस ट्रॉफी। ये जीता है अभय सिंह ने। इंडियन मेंस नेशनल स्क्वैश चैंपियन अभय सिंह ने जीता है मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ 2024 दुआंकू मुहरिस ट्रॉफी। तो ये नाम इनका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच इवेंट इज शरद कुमार एंड मरियप्पन थंगावेलु विन मेडल्स एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024। इन दोनों ने ही हाई जंप में मेडल्स जीते हैं। कौन सा मेडल जीता है इन दोनों ने? शरद कुमार ने सिल्वर मेडल और मरियप्पन थंगावेलु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस हाई जंप T63 इवेंट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, वेयर वाज द 2024 वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप हेल्ड। ये शूटिंग चैंपियनशिप जर्मनी में हुई। धनुष श्रीकांत सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट विद अ स्कोर ऑफ 632.7। तीन मेडल्स भारत के द्वारा जीते गए। धनुष ने जीता है गोल्ड मेडल, शौर्य सैनी ने सिल्वर और मोहम्मद वानिया ने ब्रॉन्ज मेडल। तो जो तीनों टॉप मेडल्स होते हैं वो भारतीयों ने ही जीते हैं इसमें। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। ये चैंपियनशिप इंग्लैंड में देखने को मिलेगी, टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में। प्रेजेंट में देखें तो इंडियन टीम टॉप पर है टेबल में और ऑस्ट्रेलिया सेकेंड नंबर पर है। इंग्लैंड इसको होस्ट करने वाला है 2025 में। विच इंडियन फीमेल रेसलर वन द गोल्ड मेडल इन अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। इनका नाम है ज्योति बरवाल। रेसलिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में। स्पेन में ये चैंपियनशिप हुई थी। हु वन द 2024 US ओपन मेन सिंगल्स टाइटल। ये टाइटल जेनिक सिनर ने जीता है और वेमेन सिंगल्स का टाइटल एरिना सबलिंका ने जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडिया एट द 17th पैरालंपिक गेम्स इन पेरिस। इसमें भारत ने टोटल 29 मेडल्स जीते हैं। चाइना मेडल टैली पर टॉप पर रही है मेडल टैली में और इंडिया की पोजीशन मेडल टैली में देखिए तो 18th नंबर पर भारत है। अब 2028 में पेरिस पैरालंपिक जो होंगे, 2028 में जो समर पैरालंपिक होंगे वो लॉस एंजलस USA में होंगे। इस बार पेरिस में हुए थे इसलिए पेरिस पैरालंपिक बोल रहे हैं। अब यहाँ पर मेडल टैली एक बार देख लेते हैं। टोटल 29 मेडल जीते हैं ना भारत ने, जिसमें 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। अब यहाँ पर स्पोर्ट्स के हिसाब से दिया गया, एथलेटिक्स में 17 मेडल आए हैं भारत के लिए, बैडमिंटन में 5, शूटिंग में 4, आर्चरी में 2 और जूडो में 1 मेडल भारत ने जीता है। विच इंग्लिश क्रिकेटर रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ये है मोइन अली, इंग्लैंड के प्लेयर हैं और अभी इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। हु वन द गोल्ड मेडल एट कॉमनवेल्थ रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024। इसमें ग्रैंड मास्टर मित्रबा गुहा ने जीता है गोल्ड मेडल। ग्रैंड मास्टर पन्नीर सेल्वम इनियान ने जीता है सिल्वर और ग्रैंड मास्टर लक्ष्मण राजाराम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आउट ऑफ 14 इंडियन पार्टिसिपेंट, मतलब इंडियन पार्टिसिपेंट जो थे 14 थे और ये 14 के 14 टॉप 30 में रहे हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 900 गोल्स। ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पहले प्लेयर दुनिया में बने हैं टू डू दिस। नेक्स्ट है हु वन द फोर्थ इंटर कॉन्टिनेंटल कप मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट, इसको जीता है सीरिया ने, भारत को हराकर सीरिया ये टूर्नामेंट जीता है। इन विच कंट्री इज़ द एशियन हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी बींग ऑर्गेनाइज, इसे ऑर्गेनाइज किया गया चाइना में, और इंडियन मेंस हॉकी टीम चाइना को हराकर ये जीती है, चाइना में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। विच एशियन स्पोर्ट इज इंक्लूडेड एज अ डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट एट द 2026 एशियन गेम्स। डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट के रूप में 2026 एशियन गेम्स में योगासन को इंक्लूड किया गया है, इंडिया का एशियन स्पोर्ट है योगासन। हु हैज़ वन द अंडर 17 बॉयज़ टाइटल ऑफ द 63rd सुब्रोतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल ने जीता है, अंडर 17 बॉयज़ टाइटल सुब्रोतो कप में, सुब्रोतो का फुटबॉल टूर्नामेंट है। हु वन द मेंस जैवलिन इवेंट एट द 2024 डायमंड लीग फाइनल इन ब्रसेल्स बेल्जियम, इसमें एंडरसन पीटर्स जो हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, नीरज चोपड़ा गोल्ड जीतने से थोड़ा सा रह गए, सिल्वर लेकर आए हैं। 2022 में जो डायमंड लीग हुआ था फाइनल उसमें नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीते थे, अभी इस बार में 2024 में सिल्वर मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल इसमें जीते हैं एंडरसन पीटर्स, ग्रेनेडा से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है हु डिफीटेड इंडिया इन द डेविस कप 2024 वर्ल्ड ग्रुप वन टाई, इसमें स्वीडन ने भारत को हराकर डेविस कप का खिताब जीता है। नेक्स्ट है क्रिकेटर जुनित वलागे हैज़ बीन नेम्ड आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त 2024, ही इज़ अ प्लेयर ऑफ विच टीम, ये श्रीलंकन प्लेयर हैं जुनित वलागे और हर्षिता समार विक्रमा, ये दोनों ही आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर अगस्त 2024 हैं। जून में जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना ये थे आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ, जुलाई में गस एटकिंसन और शमारी अथापत्तू थे, ये सबके नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है हु हैज़ वन द वुमेन सिंगल्स टाइटल ऑफ द 2024 बेल्जियन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये है अनमोल खार्ब, बेल्जियम में ये टूर्नामेंट हुआ था। विच सिटी विल होस्ट द 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2026, 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करेगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड की कैपिटल है, पहले ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था विक्टोरिया में, लेकिन फिर वहाँ पर राइजिंग कॉस्ट की वजह से मना कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने, जिस वजह से अब स्कॉटलैंड की कैपिटल ग्लासगो में ये टूर्नामेंट होगा। इंडिया डिफीटेड विच टीम टू विन 8th मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, चाइना को हराकर भारत ने ये ट्रॉफी जीती है फॉर अ रिकॉर्ड 5th टाइम। इससे पहले भारत ने 2011, 2016, 2018 और 2023 में ट्रॉफी जीती, अभी 2024 में भी। विच मेडल डिड धनुष लोगनाथन ऑफ इंडिया विन इन द जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024, इसमें इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया धनुष लोगनाथन के द्वारा मेंस 55 केजी इवेंट में, IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप लियोन स्पेस में हुई थी। द 2024-25 ईरानी कप ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन मुंबई हैज़ बीन शिफ्टेड टू विच सिटी, तो ये लखनऊ में होगा ईरानी कप, पहले मुंबई में होने वाला था लेकिन अब लखनऊ में शिफ्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है हु हैज़ वन द 14th हॉकी इंडिया जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2024, ये चैंपियनशिप जीती है पंजाब ने, उत्तर प्रदेश को हराकर पंजाब जीता है। विच बॉडी हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड इक्वल प्राइज मनी फॉर मेन्स एंड वेमेन्स क्रिकेट टीम्स इन द वर्ल्ड कप, ये है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसने बोला है कि वर्ल्ड कप में मेन्स और वेमेन्स टीम को इक्वल प्राइज मनी दी जाएगी। विच टीम हैज़ वन द मेन्स एंड वेमेन्स सेक्शंस ऑफ द 46th फिडे चेस ओलंपिया 2024, इसमें इंडिया की टीम जो है मेन्स और वेमेन्स दोनों ही सेक्शन में फिडे चेस ओलंपियाड जीती है, हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में ये ओलंपियाड देखने को मिला था। इससे पहले 2018 में मेंस और वुमेंस दोनों ही कैटेगरी में चाइना जीता था, ठीक है, अभी 2024 में जो हुआ है ओलंपियाड इसमें भारत जीता है। हु वन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल ऑफ द 2024 पोलिश इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये है अनमोल खर्ब, ऑप्शन ए करेक्ट है। विच इंडियन डुओ वन द मेंस डबल्स टाइटल एट द हांगजो ओपन 2024, ये हैं जीवन नेदू चेंजियान और विजय सुंदर प्रशांत, हांगजो ओपन 2024 में मेंस डबल्स का टाइटल इन दोनों ने मिलकर जीता है। हु हैज़ वन द 2024-25 दुलीप ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी इंडिया ए के द्वारा जीती गई है, इंडिया ए टीम लेड बाय मयंक अग्रवाल, 2024-25 में दुलीप ट्रॉफी जीती है इंडिया सी टीम को हराकर, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज़ द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम फॉर द 9th एडिशन ऑफ द ICC वेमेंस टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट इन 2024,
इसकी कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। बांग्लादेश में होने वाला था लेकिन बांग्लादेश के मना करने के कारण ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट अब होगा UAE में। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। ग्रुप बी में बांग्लादेश, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज कंट्रीज़ हैं। इंडियन कैप्टन इसमें हरमनप्रीत कौर रहेंगी और वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना होंगी। हु वन द सोल मेडल फॉर इंडिया एट द IWF जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024? यह है धनुष लोगनाथन, ऑप्शन डी करेक्ट है, हम देख भी चुके हैं। ये ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है इसमें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर्स पर। अब यहाँ पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट? इस बुक के ऑथर हैं कुलदीप गुप्ता। द बुक क्रॉनिकल्स द ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी फ्रॉम द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री टू रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस। ठीक है, कुलदीप गुप्ता इसके ऑथर हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मदर मेरी कम्स टू मी? इस बुक के ऑथर हैं अरुंधति रॉय। अच्छा, कुछ और नॉवेल्स भी हैं इनकी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी याद रखिएगा इन्हीं की हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ कोचीन फेम एंड फेबल्स? इस बुक के ऑथर हैं M.K. दास, जर्नलिस्ट हैं ये M.K. दास। नेक्स्ट आते हैं पर्सन इन न्यूज़ की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, टू कमेमोरेट विच लीडर्स अचीवमेंट्स डिड द रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन लॉन्च द ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट सीरीज? तो ये है दलाई लामा 7-वॉल्यूम सीरीज़ रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च की गई है ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट के नाम से इन धर्मशाला। 65th एनिवर्सरी दलाई लामा की थी। 1959 में दलाई लामा को दिया गया था रमन मैग्सेसे अवार्ड, इनका पहला इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। इस चीज़ को 65 ईयर्स हो गए हैं, 65th एनिवर्सरी थी इसी की, इसी मौके पर ये 7-वॉल्यूम सीरीज़ को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, सीताराम येचुरी वॉज रिलेटेड टू विच पॉलिटिकल जनरल सेक्रेटरी हु पास्ड अवे रिसेंटली? ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के पॉलिटिकल जनरल सेक्रेटरी से रिलेटेड थे जिनकी रिसेंट में डेथ हो गई है। 3 बार पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, पहली बार 2015 में बने थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की बात करें तो 7 नवंबर 1964 में एस्टेब्लिश किया गया था। फाउंडर्स इसके थे पुचालापल्ली सुंदराई और EMS नंबूद्रीपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KKN दारूवाला हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन विच ईयर? इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड 1984 में जीता था, रिसेंट में इनकी डेथ हो गई है। पोएट और फॉर्मर IPS ऑफिसर ये रह चुके हैं। ठीक है, इनकी पहली बुक पोएट्री की थी अंडर ओरियन, इसे पब्लिश किया गया था 1970 में। उत्तर प्रदेश स्टेट अवार्ड भी इनको मिल चुका है फॉर हिज सेकेंड बुक अपैरिशन इन अप्रैल। He also won the Sahitya Academy Award in 1984 for The Keeper of the Dead. Next आ जाते हैं कैटेगरी हमारी रैंकिंग और इंडेक्सेस की। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टाइम्स मैगजीन लिस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन AI? इनका नाम है अश्विनी वैष्णव, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। इन्हें टाइम मैगजीन लिस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन AI 2024 में इंक्लूड किया गया है। विच सिटी हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजिशन इन द कैटेगरी 1 इन द क्लीन एयर सर्वे 2024? ये शहर है सूरत, पहले नंबर पर रही है कैटेगरी 1 में इन द क्लीन एयर सर्वे 2024। जबलपुर सेकेंड नंबर पर है और आगरा UP में ये थर्ड नंबर पर है। कैटेगरी 1 की सिटीज़ कौन सी हैं? टू हैव अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन। हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन कैबिनेट मेंबर इज इंक्लूडेड इन द टाइम्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन AI? ये हम देख चुके हैं क्वेश्चन। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, अनिल कपूर भी इस लिस्ट में शामिल हैं और गूगल और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई भी इसमें शामिल हैं। व्हाट टीयर डिड इंडिया अचीव इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024? भारत इसमें Tier 1 पर है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में, रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। ये इंडेक्स मेजर करता है कमिटमेंट ऑफ कंट्रीज टू साइबर सिक्योरिटी एट अ ग्लोबल लेवल टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पॉर्टेंस एंड डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द इशू। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024? इसे टॉप किया है केरल ने, पहले नंबर पर ये रहा है लगातार दूसरी बार। इससे पहले 2022 में तमिलनाडु था टॉप पर, तो 2023 में केरल ने तमिलनाडु को पीछे कर दिया, 2024 में फिर से केरल नंबर 1 पर है। केरल के बाद तमिलनाडु है सेकेंड पर, फिर जम्मू कश्मीर, गुजरात और नागालैंड। अकॉर्डिंग टू द एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट विच इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया? ये है US में, मतलब मोस्ट डोमिनेटेड पावर जो है, मोस्ट डोमिनेंट पावर एशिया में वो USA है।
इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू द एशियन पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 रिलीज रिसेंटली बाय ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक लोवे इंस्टीट्यूट, इंडिया तीसरे नंबर पर है, थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री है एशिया में आफ्टर US एंड चाइना। ठीक है, लास्ट ईयर भारत चौथे नंबर पर था, अभी जापान को ओवरटेक करके भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। व्हाट वॉज इंडियाज रैंक इन द 17th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, इसमें इंडिया की रैंक है 39th। वेपो के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। टॉप थ्री कंट्रीज हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन और US। भारत है 40 में से, भारत लास्ट ईयर 40वें नंबर पर था, अभी 39 पर है। व्हाट पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024, भारत इसमें 58th नंबर पर है, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, पहले नंबर पर है, फॉलोड बाय सिंगापुर एंड लग्जमबर्ग। इंडिया 58th पर है आउट ऑफ 67 इकोनॉमीज। नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस पर। यहाँ पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 5th ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 हेल्ड, ये फेस्ट देखने को मिला मुंबई में। इसका एम था टू एस्टेब्लिश इटसेल्फ एज द प्रीमियर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस फॉर द ग्लोबल फिनटेक इकोसिस्टम, प्रमोट कोलैबोरेशन एंड इन्फ्लुएंस द फ्यूचर ऑफ द फिनटेक इंडस्ट्री। पीएम मोदी ने इसे एड्रेस किया, इस ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास भी इसमें प्रेजेंट थे और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के जो चेयरमैन हैं क्रिस गोपाल कृष्णन, ये भी इसमें प्रेजेंट थे। मुंबई में ये हुआ। थीम थी इसकी ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस, रिस्पॉन्सिबल AI, इंक्लूसिव रेजिलियंट। वेयर वॉज द इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2024 ऑर्गेनाइज्ड, इसे नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी दोनों ने जॉइंटली इसे इनॉग्रेट किया। ठीक है, नई दिल्ली में। वेयर इज़ द 2024 एडिशन ऑफ द चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड, ये कहाँ पर पेरिस में होने वाले हैं आयोजित चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 6th मीटिंग ऑफ द इंडिया सऊदी अरबिया जॉइंट कमेटी ऑन डिफेंस कोऑपरेशन हेल्ड, ये मीटिंग रियाद सऊदी अरबिया में देखने को मिली। बायलेटरल कोऑपरेशन को किस तरह एक्सपैंड किया जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। द 2025 क्वाड मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच कंट्री, ये मीटिंग होगी भारत में, क्वाड मीटिंग। US के पास थी 2024 में इसकी चेयरमैनशिप, अभी जो है भारत इसको होस्ट करेगा 2025 में। हु चेयर द 54th GST काउंसिल मीटिंग, इसको निर्मला सीतारमन ने चेयर किया। GST काउंसिल की मीटिंग जो होती है ना, इसको फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ही चेयर किया जाता है। तो टैक्स लैब काफ़ी इसमें चेंज किए गए और चेयरमैनशिप की फाइनेंस मिनिस्टर ने। हु विल एड्रेस द जनरल सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 2024 ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, भारत के बिहाफ पर एस जयशंकर एड्रेस करेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जनरल सेशन को। ठीक है, पीएम मोदी इसको एड्रेस नहीं करेंगे, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर करेंगे। वेयर वॉज द 1st इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जॉइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग फॉर स्ट्रैटेजिक डायलॉग हेल्प, ये मीटिंग आयोजित की गई रियाद सऊदी अरबिया में। ये GCC कंट्रीज और भारत के बीच में पहली फॉरेन मिनिस्टर लेवल मीटिंग थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इनॉग्रेटेड द 2024 सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, इसको इनॉग्रेट किया नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, सेमिकॉन इंडिया एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस। वेयर वॉज द 2nd एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन हेल्ड, ये कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली भारत में हुई, 2018 में चाइना में हुई थी, 2024 में भारत इसको होस्ट करेगा। हु इनॉग्रेटेड द 2nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, इसको PM नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया वर्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर वॉज द 2024 कॉन्क्लेव ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ ब्रिक्स हेल्ड, ये कॉन्क्लेव कहाँ पर हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग में, कहाँ पर है, रशिया में है। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, अजीत डोभाल है। तो ऑफकोर्स ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की का कॉन्क्लेव है, तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी इसमें पार्टिसिपेट इन्होंने भी किया। वेयर वॉज द ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 हेल्ड विच फीचर्स discussions on global literary dialogue and highlighted the role of literature in promoting unity, cooperation and multiculturalism. ये फोरम देखने को मिली कजान रशिया में। अब ब्रिक्स की देखिए चेयरमैनशिप रशिया संभाल रहा है 2024 में, तो इसलिए ब्रिक्स से रिलेटेड जो भी समिट मीटिंग कॉन्क्लेव जो भी होता है सब कुछ रशिया में ही होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। वेयर डिड द G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2024 टेक प्लेस, ये मीटिंग हुई क्यूबा ब्राज़ील में, फोकस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड्स रोल इन फूड सिक्योरिटी एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली फार्मर्स एंड लोकल कम्युनिटीज। वेयर वॉज द 3rd एडिशन ऑफ द इंडस एक्स समिट हेल्ड, ये समिट का 3rd एडिशन कैलिफोर्निया में हुआ। एम था इसका टू एडवांस द जॉइंट डिफेंस इनोवेशन
इनोवेशन इकोसिस्टम बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, हु इनॉग्रेटेड द फोर्थ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो री इन्वेस्ट 2024 को नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया। अगला है, वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ द नाडा इंडिया इंक्लूजन कॉन्क्लेव हेल्ड, ये हुआ नई दिल्ली में, पहली बार 2022 में नई दिल्ली में हुआ था, अभी दूसरी बार हो रहा है सेकेंड एडिशन इसका। हु इनॉग्रेटेड द सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024, इसको इनॉग्रेट किया जगत प्रकाश नड्डा ने, हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं ये। हु इनॉग्रेटेड द 41st इंडिया कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, इसको राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पर, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में हुआ और 3 दिन का इवेंट था ये। वेयर वॉज द 9th एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग हेल्ड, ये मीटिंग समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन वो इसमें प्रेजेंट हुई थी भारत की तरफ से। थीम थी इसकी बिल्डिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। विच सिटी इन इंडिया विल होस्ट द WTSA 2024, इसको नई दिल्ली के द्वारा होस्ट किया जाएगा वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, पहली बार भारत में होगा, भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा अक्टूबर 2024 में, भारत में भी नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, वेयर डिड द 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल एरोस्पेस समिट टेक प्लेस, इसका 7th एडिशन अबू धाबी में देखने को मिलेगा, फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी यूथ एंगेजमेंट एंड इनोवेशन इन एरोस्पेस स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं MOU और एग्रीमेंट्स की बात कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द पीस एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, त्रिपुरा गवर्नमेंट, NLFT एंड ATTF, तो इन सभी के बीच में पीस एग्रीमेंट नई दिल्ली में साइन किया गया। त्रिपुरा में जो भी इंसर्जेंसी देखने को मिलती है उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये पीस एग्रीमेंट इन सभी के बीच में साइन हुआ था। अब इसके ज़रिए क्या हुआ कि इस MOU के ज़रिए दो इंसर्जेंट ग्रुप्स जो त्रिपुरा में हैं उन्होंने अपनी अलग इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ त्रिपुरा की डिमांड को गिव अप कर दिया और नेशनल मेन स्ट्रीम में शामिल होने के लिए अग्री हुए हैं। इन सितंबर 2024 द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया साइंड एन MOU विद विच कंट्रीज ऑडिट बॉडी, तो हमारे जो कैग हैं जीसी मुर्मू उन्होंने MOU साइन किया है UAE की ऑडिट बॉडी के साथ में, ताकि पब्लिक सेक्टर ऑडिट्स में दोनों इंस्टीट्यूशन के बीच कोलैबोरेशन किया जा सके। हाउ मेनी अग्रीमेंट्स हैव बीन साइन बिटवीन इंडिया एंड UAE, दोनों कंट्रीज के बीच 4 अग्रीमेंट साइन हुए हैं। एक हुआ है LNG को की सप्लाई को लेकर अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच में, फिर एक हुआ है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के साथ में, एक एग्रीमेंट साइन किया गया है न्यूक्लियर से रिलेटेड रिगार्डिंग द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बराक न्यूक्लियर प्लांट, और गुजरात गवर्नमेंट और अबू धाबी बेस्ड PJSC कंपनी के बीच में साइन हुआ है एग्रीमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ फूड पार्क, गुजरात में अहमदाबाद में फूड पार्क बनाया जाएगा। तो ये 4 एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में साइन हुए हैं। हु रिसेंटली साइन द इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, इसे साइन किया है S. जयशंकर ने। अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री जो है वो इस अग्रीमेंट को पूरा करने में अपना रोल प्ले करेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं डिफेंस करेंट अफेयर्स पर, और अब सिर्फ 2 ही कैटेगरीज बचती हैं, एक है डिफेंस, दूसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहला डिफेंस में, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये कौन है, तेजिंदर सिंह है, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ इनको बनाया गया है। विच प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी टू हेल्प एक्स सर्विसमैन एंड देयर फैमिलीज, इसका नाम है प्रोजेक्ट नमन, एक्स सर्विसमैन और उनकी फैमिलीज को असिस्ट करने के लिए इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया है। इट विल प्रोवाइड डेडिकेटेड सपोर्ट एंड सर्विसेज टू डिफेंस पेंशनर्स, एक्स सर्विसमैन एंड देयर फैमिलीज, इसके लिए क्या होगा, 14 कॉमन सर्विस सेंटर्स खोले जाएंगे वेरियस लोकेशंस पर, जैसे कि नई दिल्ली, जालंधर, लेह, देहरादून, लखनऊ, जोधपुर, बेंगलुरु, गोरखपुर, झांसी, सिकंदराबाद, सागर, गुंटूर, अहमदाबाद और बेंगलोर। तो पहले फेज में ये 14 कॉमन सर्विस सेंटर्स होंगे और फिर कोशिश है कि आगे धीरे धीरे 2 से 3 सालों में इनको 200 सेंटर तक बढ़ाया जाएगा। एट विच लोकेशन इज द सेकेंड फेज ऑफ एक्सरसाइज तरंग शक्ति 24 बींग कंडक्टेड, इस एक्सरसाइज को एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में कंडक्ट किया गया है। कई सारी कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें, जैसे कि ग्रीस, श्रीलंका, UAE, जापान, सिंगापुर, US, एमिंग टू एनहांस रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इन विच कंट्री डिड द इंडियन नेवीज P-81 एयरक्राफ्ट लैंड फॉर इट्स फर्स्ट एवर डिप्लॉयमेंट इन यूरोप टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज वरुणा, तो ये जो है फ्रांस का है जहाँ पर ये एक्सरसाइज हुई थी, एक्सरसाइज वरुणा, और भारत नेवी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और फ्रांस में गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द वायरस वॉर एक्सरसाइज बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली? ये एक्सरसाइज अजमेर में हुई थी, राजस्थान में, अंडर द नेशनल वन हेल्थ मिशन। ऑब्जेक्टिव था इसका टू इवेलुएट द रिस्पॉन्स ऑफ द टीम मेड अप ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट है, वेयर इट द इंडिया एंड US जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024 कमेंस। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज राजस्थान में हुई, भारत और US के बीच इसको कंडक्ट किया जाता है। विच काइंड ऑफ शिप्स आर INS मालपे एंड INS मुल्की दैट वर रिसेंटली लॉन्च्ड एट कोचीन शिपयार्ड फॉर द इंडियन नेवी? ये एक तरह की एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाटरक्राफ्ट हैं, इंडिजिनसली बनाई गई हैं और कोचीन शिपयार्ड में इनको लॉन्च किया गया है। इन्हें कोस्टल एंटी सबमरीन ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया था एंड आर इक्विप्ड विद लाइट वेट टॉर्पीडोज, रॉकेट्स एंड रिमोट कंट्रोल्ड गन्स। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द 5th एडिशन ऑफ द बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज अल नाजा? ओमान के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा 5th एडिशन को अल नाजा एक्सरसाइज का, इंडिया और ओमान के बीच इसको कंडक्ट किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा अल नाजा के अलावा ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज भी इंडिया और ओमान के बीच ही होती है। प्रोजेक्ट जोरावर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज़ डिफेंस सेक्टर रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ? प्रोजेक्ट जोरावर जो है ये लाइट टैंक्स के डेवलपमेंट के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अ कॉन्फ्रेंस नेम्ड स्पेक्ट्रम 2024 वाज रिसेंटली हेल्ड एट इंडियन एयरफोर्स बेस रिपेयर डिपो इन नजफगढ़, विच फील्ड ऑफ वॉरफेयर वाज एड्रेस्ड इन इट? तो स्पेक्ट्रम में कौन सी फील्ड है वॉरफेयर की? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को इसमें एड्रेस किया जाता है। थीम इसकी है EW यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजीज एंड मेंटेनेंस चैलेंजेस। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? SSP के DG बने हैं अमृत मोहन प्रसाद। लेफ्टिनेंट कमांडर्स रूपा ए एंड दिलना के विच इंडियन नेवी विल सरकम नेविगेट द ग्लोब बाय सेलिंग? INSV तारिणी जो है इसका इस्तेमाल करते हुए रूपा ए और दिलना के ये ग्लोब का चक्कर लगाने वाले हैं, INS तारिणी, ठीक है। इन विच कंट्री इज़ द 16th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज का काड़ू बींग हेल्ड? ये एक्सरसाइज का 16th एडिशन ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला। थीम थी रीजनल कोऑपरेशन थ्रू ट्रस्टेड एंड प्रूवन पार्टनरशिप। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू ज्वाइन द LCA तेजस फ्लीट एंड द एलीट फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन? ये हैं स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह, पहली महिला फाइटर पायलट बनी है जिन्होंने एयरफोर्स के LCA तेजस फाइटर फ्लीट को ज्वाइन किया है। इसके अलावा तरंग शक्ति एक्सरसाइज जो हुई थी जोधपुर में, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वेयर हैज़ अभ्यास AIKYA रिसेंटली स्टार्टेड? रिसेंटली ये जो है चेन्नई में स्टार्ट किया गया एक्सरसाइज AIKYA, एक इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट सेमिनार एंड टेबल टॉप एक्सरसाइज है कंडक्टेड बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड इंडियन आर्मी। मेन टॉपिक थे एक्सरसाइज के सुनामी, लैंडस्लाइड, फ्लड, फॉरेस्ट फायर और साइक्लोन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ? इनका नाम है अमरप्रीत सिंह। वेयर वॉज एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7 कंडक्टेड? इसको राफो मसीरा में, ओमान में ही कंडक्ट किया गया है ईस्टर्न ब्रिज को। अल नाजा भी ओमान में हुई थी, ईस्टर्न ब्रिज भी वहीं पर हुई है। अच्छा, अल नाजा जो है आर्मी एक्सरसाइज है इंडिया और ओमान के बीच, एयरफोर्स की है ईस्टर्न ब्रिज और नेवल एक्सरसाइज है नसीम अल बहर। वेयर वॉज द नाविक सागर परिक्रमा एक्सपेडिशन टू सरकम नेविगेट द अर्थ ऑन अ शिप ऑर्गेनाइज? इसको ऑर्गेनाइज किया गया नई गोवा में इंडियन नेवी के द्वारा। पहली बार नाविका सागर परिक्रमा को 2017 में लॉन्च किया गया था, अभी 2nd एडिशन इसका लॉन्च हुआ है रिसेंट में। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट आर्म्स बायर फ्रॉम इंडिया? ये कंट्री है आर्मेनिया। पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, स्काई एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, होविट्ज़र्स एंटी टैंक रॉकेट्स और एंटी ड्रोन इक्विपमेंट और एम्युनिशन भारत से आर्मेनिया ने खरीदे हैं। DRDO एंड विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद? अभेद नाम की जैकेट को IIT दिल्ली ने डेवलप किया है। अभेद के फुल फॉर्म है एडवांस्ड बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट। DRDO और IIT दिल्ली ने जॉइंटली इसको क्रिएट किया है, अभेद नाम की लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट को। पूरी तरह से इंडिजिनस है, पॉलीमर और इंडिजिनस बोरोन कार्बाइड सिरामिक मटीरियल से इसको बनाया गया है। हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर फोर्स? इनका नाम है SP धारका, एयर स्टाफ के वाइस चीफ बने हैं ये।
अब आ जाते हैं अपने लास्ट सेक्शन पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस करंट अफेयर्स पर। यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट डिस्कवर्ड इन द नोन यूनिवर्स दैट कंज्यूम्स जस्ट ओवर अ सन पर डे। इसका नाम है J0592943511, ब्राइटेस्ट क्वाजर है जिसको पाया गया है। मोस्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नोन हैज अ मास ऑफ 17 बिलियन सन्स एंड एमिट्स ओवर 500 ट्रिलियन टाइम्स द सन्स ब्राइटनेस। ब्लैक होल है ये इसका नाम है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, DRDO हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड विच मिसाइल फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इन चांदीपुर उड़ीसा। ये मिसाइल है Agni-4, DRDO ने इसको टेस्ट फायर किया है चांदीपुर उड़ीसा से। इससे पहले 6 जून 2022 में इसे टेस्ट फायर किया गया था। पहली बार Agni-4 मिसाइल को 15 नवंबर 2011 में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। जॉइंटली इसे DRDO और इंडिया डायनेमिक्स ने मिलकर डेवलप किया है। रेंज है इसकी 4000 किलोमीटर तक। टोटल वेट है 17,000 kg और लेंथ है 20 meters। इट कैन फ्लाई अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 900 किलोमीटर। रिसेंटली बेबी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट हैज रीच्ड द क्लोजेस्ट टू विच प्लैनेट। तो ये मरकरी के क्लोजेस्ट पहुँचा है बेबी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट, और इसने मरकरी की ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स जो है वो सेंड की हैं। 2026 में मरकरी के ऑर्बिट में ये एंटर कर जाएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा दोनों का जॉइंट मिशन है ये मरकरी के लिए। 20 अक्टूबर 2018 में लॉन्च किया गया था। इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड अ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द VLSR-SAM, अ शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल फ्रॉम विच कोस्ट। भारत के द्वारा इसको ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ओडिशा से लॉन्च किया गया है, फ्लाइट टेस्ट किया गया है। शॉर्ट रेंज मिसाइल है, DRDO और इंडियन नेवी दोनों ने मिलकर इसका टेस्ट कंडक्ट किया है। व्हेन डज द इसरो प्लान टू लॉन्च एन इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून सर्विस। भारत 2040 तक चांद के सर्फेस तक इंडियन एस्ट्रोनॉट को भेजने की प्लानिंग कर रहा है। अभी तक केवल तीन कंट्रीज़ ऐसी हैं, USA, रशिया और चाइना, जिन्होंने अब सक्सेसफुली लूनर सॉइल भारत तक, धरती तक वो वापस लेकर आए हैं। और हमारा चंद्रयान 4 मिशन जो है ये भी लूनर सैंपल को कलेक्ट करने वाला है, मून सरफेस से धरती पर वापस लेकर आएगा। तो ऐसा अगर करने में सफल हो जाता है तो भारत 4th ऐसी कंट्री बन जाएगा। और इसके अलावा भारत का अल्टीमेट गोल है कि इंडियन एस्ट्रोनॉट को लूनर सर्फेस पर 2040 तक पहुँचाना है और सक्सेसफुली धरती तक वापस लेकर आना है। What is the name of ISRO's new reusable low-cost launch vehicle aimed at enhancing India's space capabilities? इसका नाम है NGLV, यानी कि Next Generation Launch Vehicle, aimed at enhancing India's space capabilities with a payload capacity of 30 tons to low Earth orbit and reusability features. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, व्हाट इज VOR रिलेटेड टू स्पेस विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली। VOR क्या है? वीनस ऑर्बिटर मिशन, इसरो का है ये, टू स्टडी वीनस प्लैनेट। वीनस ऑर्बिटर मिशन आल्सो नोन एज द शुक्रयान मिशन, इसे अप्रूवल दे दिया गया है। इसरो का सेकेंड इंटर प्लानिटरी मिशन होगा मार्स ऑर्बिटर मिशन या फिर मंगलयान के बाद। और इंडिया इसके साथ 5वीं कंट्री बन जाएगा टू सेंड अ स्पेस क्राफ्ट टू वीनस आफ्टर द सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन एंड जापान। नेक्स्ट है, हु इनॉग्रेटेड द 5G ORAN टेस्टिंग लैब। इसको इनॉग्रेट किया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने, बेंगलोर में इनके द्वारा ये किया गया है। वेयर हैज़ PM मोदी डेडिकेटेड 3 इंडिजिनसली डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर्स टू द नेशन। PM मोदी के द्वारा पुणे में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को क्या किया गया है, देश को समर्पित किया गया है। इंडिजिनसली नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत ये सुपर कंप्यूटर्स बनाए गए हैं। विच कैरियर रॉकेट डिड चाइना सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम ऑफ कोस्ट नियर हेयांग शानडोंग प्रोविंस कैरिंग 8 सैटेलाइट्स इनटू देयर प्लान्ड ऑर्बिट्स। तो ये Smart Dragon 3 नाम का रॉकेट है जिसे लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा। और फाइनली इसी के साथ हमारी ये वीडियो सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स की यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।